यूएन में मॉरिशियस के राजदूत और युद्ध में होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ यूएन की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटर्न ने रूस पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रेप और यौन हमले रूस की सैन्य रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। प्रमिला पैटर्न के मुताबिक पिछले 8 महीने से चल रहे हिंसक संघर्ष में रूस अपने सैनिकों से यूक्रेन के पीड़ितों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार करवा रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के हवाले से प्रमिला पैटर्न ने दावा किया कि फरवरी में यूक्रेन में रूस के सैन्य घुसपैठों के बाद से वहां रेप और यौन हमलों के 100 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रमिला पैटर्न यौन हिंसा के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक भी है। प्रमिला पैटर्न का कहना है कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों के यौन अपराधों की जितनी रिपोर्टिंग हुई है वो वास्तविक घटनाओं से काफी कम है। प्रमिला के मुताबिक युद्ध के दौरान इन अपराधों से जुड़े विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य ऑपरेशन चलाने के बाद से कई यूएन एक्सपर्ट रूसी सैनिकों पर युद्ध पीड़ितों को मारने, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने, फांसी लगाने और लिंग आधारित अपराध करने के आरोप लगा चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।